वेलकम टू माय चैनल इट्स मी सिमरन चाहानी अब हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक टू है उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो टू के स्टूडेंट्स आपका सिलेबस पैटर्न अभी चेंज हुआ है कुछ कुछ पोर्शन आपका डिलीट हो गया आप लोगों के लिए एंड इस चैप्टर में कुछ ऐड हुआ है तो वो सब तो मैंने करा दिया है न्यू सिलेबस वीडियो के अंदर आप सर्च कर सकते हो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग मैंने दोबारा भी पढ़ाया और जो उसमें टॉपिक ऐड हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और स्टेट्स वो दोनों टॉपिक में कवर करवा चुकी हैं ओके तो नहीं पढ़ा अगर अभी तक तो जाके चैप्टर पढ़ लो आप सिकली बात की जाए ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से वन मार्कर और मैप क्वेश्चन भर भर के आते हैं ओके okay, तो ये जो वीडियो है दिस इज अ वन मार्कर वीडियो एज यू नो दैट क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पॉर्डेंट क्वेश्चन वीडियोज़ का बैच जो है आपका स्टार्ट हो गया है मैं गोल्ड वॉर की डाल चुकी हूँ इमार्डेंट क्वेश्चन डाल चुकी हूँ आप एक टेस्ट ले चुके हूँ एट देर इज अ प्ले उसमें आप सारा का सारा क्लास ट्वेल्थ का रिविजन जो है अपनी पॉलिटिकल साइंस का वो कर सकते हो तो आज किसका पढ़ेंगे हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ऐसे हम हर एक चैप्टर को कर रहे हैं कार्टून अलग करेंगे मैप अलग करेंगे ओके okay, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आएंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग प्री बोर्ड में जब भी आपका प्री बोर्ड होगा तो इन सब वीडियोज को आप देखोगे एंड यू विल भी फुली प्रिपेयर्ड जब भी फ्री टाइम में आपके पास दस मिनट का पंद्रह मिनट दस दस मिनट की वीडियोस के अंदर आपका चैप्टर जो है वो टिप्स पे हो जाएंगे अब आप आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आ चुका है नाउ दिस इज द सेल्फ स्टडी एंड द लर्निंग पार्ट ठीक है तो यहाँ पे चुन चुन के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इन्हें लर्न करना है तो मैं डायरेक्टली आधे आपको आते होंगे जिसको नहीं आते वो लर्न करो एंड इसी वीडियो से अपना टेस्ट लेना आई स्पीक द क्वेश्चन एंड यू विल राइट द आंसर इन योर नोटबुक तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन दिस इज ऑल द वन मार्कर्स और इसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है तो पहला क्वेश्चन है द स्टेट यू ऑर्गेनाइजेशन का मिशन वो अपॉइंटेड इन विच ईयर तो ये ईयर बेस बच्चे बहुत परेशान होते हैं हर एक डेट लर्न करे हर एक डेट लर्न करे तो जो जो डेट्स मैं करवाऊंगी उनको बहुत अच्छे से पढ़ना ठीक है लेट्स स्टार्ट इट तो कब हुआ था नाइनटीन फिफ्टी थ्री में हुआ था फर्स्ट आंसर सेकेंड क्वेश्चन द एंटेरियम गवर्नमेंट फॉर्मड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वो हेडेड बाई जो एक इंटरम गवर्न जब ब्रिटिशर्स गए तो एक आप 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 कह सकते हो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी टू होल्ड ऑन द प्रोसीडिंग्स यानी कि इंडिया को चलाना तो है ना अब या कोई तो चलाएगा अंग्रेज चले गए तो तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी इलेक्शंस होने से पहले उसको हेड किसने करा था जवाहरलाल नेहरू को फिर जब इलेक्शन हुए तो भी जवाहरलाल नेहरू जीत जाते हैं द सिटीज़ दैट वर डिवाइडेड इन टू कम्युनल जोन तीन सिटीज इनको कम्युनल जोन में डिवाइड कराता और ये आपका बहुत अच्छा मैप क्वेश्चन है ये आ जाएगा लोकेट द थ्री सिटीज दैट वर डिवाइडेड इन टू कम्यूनल जो तो मैं मैप में माफ करने लाहौर अमृतसर एंड कैलकाटा कैलकटा वेस्ट बंगाल में अमृतसर पंजाब में एंड लाहौर वो जो पाकिस्तान के पैसे आप वहाँ पे डॉट लगा सकते हो साइड में ठीक है द स्टेट क्रिएटेड इन नाइनटीन कौन कौन सी स्टेट नाइनटीन में क्रिएट हुई थी महाराष्ट्र एंड गुजरात ओके तो ये स्टेट्स वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका बॉक्स है अब आ जाओ एक येलो कलर के आपके छोटे छोटे दो तो बॉक्स बने हुए पार्टीशन वाले चैप्टर में तो उसमें अमृता पुरी अमृता प्रीतम के बारे में आपको बता रखा है अमृता प्रीतम उनका पूरा आपको दे रखा है उसमें से एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आ सकते जिस रीड इट अब इसमें से मैंने क्वेश्चन बनाया अमृता प्रीतम वॉज अ प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम विच स्टेट तो इट्स पंजाब ठीक है तो उनकी पोएम जो है उसको भी एक बार रीड करना पोएम तो नहीं आएगी बट जो ये छोटे छोटे दिए हुए होते हैं इनको रीड ज़रूर करना चाहिए बॉक्सेस हमारे नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वॉज़ काव्ड आउट तो मध्य प्रदेश है इसका ये भी मैं आपके क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कितनी थी प्रिंसली स्टेट्स देयर क्वेश्चन नंबर मेघालय आउट तो 1972, इसकी पूरा एक टेबल बना लो कौन सी स्टेट कब का हुई थी और किस से निकली थी तो वो आप उसको लर्न कर सकते Now, हो ना हु गेव द स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वेरी सिंपल क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे खड़े होकर दी थी ये भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में तो टेल मी ओके और कौन से डेट को दी थी किस टाइम पर दी थी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन नो क्वेश्चन नंबर टेन वेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड ये इंपॉर्टेंट है तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी दैट वॉज साइन एंड अडोप्टेड ऑन ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन अडॉप्ट की गई थी बट इट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें हमारा टाइम लगा उसको जो उसका एक्शन में लाए गए इन टू फोर्स लाए गए दैट वॉज ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द थ्री मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली व्हाट वर द थ्री मेजर इमीडिएट चैलेंज इस पर आपका टू मार्कर ज़रूर आएगा आपके एग्जाम के अंदर तो फर्स्ट वो टू शेप अ नेशन सेकेंड वोज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड द थर्ड वोज टू रिफॉर्म द एंटायर सोसाइटी हैव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू अपलिव द डिप्रेस्ड एंड द बैकवर्ड क्लासेस यानी कि नेशन सेप करना है पूरा इंडिया बिखर गया था कोई स्टेट अपना फ्रीडम मांग रही है कोई कुछ करिए कोई कुछ करिए तो एक नेशनल यूनिटी बनानी थी काफ़ी सारी स्टेट ऐसी थी उन्होंने क्या कहा कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है या कोई चीज कहती है पाकिस्तान के साथ जाना है तो जो वो बॉम्ब फोड़ के गए थे ना ब्रिटिशर्स हमारे पे प्रिंसली स्टेट वाला वो हो गया पार्टीशन हुआ तो बिल्कुल बिखर गया था इंडिया तो फर्स्ट थिंग वॉज टू तो शेप अ नेशन सेकेंड थिंग वॉज टू स्टेबलिश डेमोक्रेसी एंड थर्ड थिंग वॉज टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना द कंट्री में और जो प्रेस क्लास थी बैकवर्ड क्लासेस थी उनको अपलिफ्ट करना था अनटचेबिलिटी को हटाना था इंडिया में से जो जितना कुछ भी गलत होता था उस सबको हमें रिफॉर्म करना था तो दिस वॉज देर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो सी राजा गोपालचारी वू वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और इन्होंने 1959 में अपनी एक पार्टी बनाई थी स्वतंत्रता पार्टी ओके नाउ हु वॉज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी बड़ा आसान है खान अब्दुल गफ्फार खान कौन से प्रोविंस के लीडर थे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करना सब मुझे इन 1951 फिफ्टी वन वट वॉज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जब हमने इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा हिसाब लगाया तब हमें पता चला कि अभी भी ट्वेल्व परसेंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वो देयर इन इंडिया हाउ वॉज़ गांधी जी किल्ड ओके okay, तो गांधी जी की किलिंग डेट आपको हमेशा याद ही होगी वैसे तो पर इम्पॉर्टेंट है थर्टी एथ जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट को हुई थी एंड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नथू राम विनायक गुर्जे ने उनको मार दिया था ही फाइव थ्री बुलेट्स एंड ही डाइट ओके इवनिंग प्रेयर के टाइम पर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ही इज़ नोन एज अ आरन मैन ऑफ इंडिया और ये जो न्यू टॉपिक से आइड क्वेश्चन है वो मैं आपको एक और वीडियो में कराऊंगी जिसमें सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड क्वेश्चन और इंटीग्रेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन मिशन जो हमारी स्टेट्स की थी उसके ऊपर बेस क्वेश्चन होंगे ठीक है तो इसमें तो पूरा चैलेंज नेशन बिल्डिंग का है उसमें सिर्फ पर्टिकुलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो टॉपिक है उस पर और स्टेट कमीशन वाले टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे सो डोंट वरी रोज़ आपकी वीडियोज डलेंगे कभी एक चैप्टर कभी दूसरे चैप्टर की सो स्टेट यून विद माई चैनल ओके तो वो जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑन कर दो तो, हिस्ट्री भी चल रही है जोग्र फिर भी ऐसी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे बिकॉज अब हाई टाइम हो गया एंड इफ़ यू वॉन्ट द स्टडी प्लान अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए कि मैं इस दिन से क्या पढ़ूँ अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ किस टाइम पर पढ़ूँ टाइम मैनेज नहीं हो रहा है स्कूल है क्लास है प्रोजेक्ट फाइल है ये वो है तो स्टडी टिप्स इंसान ने नी नीचे नी नी प्लेलिस्ट दी है आई टाइम में जाके देखो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उसमें तो मैं टाइम टेबल बनाना है वीडियो है तो मैं समझ नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ो तो देर आर स्टार्टी वीडियो गो एंड वॉच दो वीडियो ओके अब आ जाओ विच टू प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया एंड पाकिस्तान तो दो ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे ना हम इंडिया के पास जाना है ना पाकिस्तान के पास जाना है तो त्रवन कोर इन हैदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट हु वॉज आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई हु इज आयरन मैन किस को कहते हैं हम आयरन मैन ऑफ इंडिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाउ वेन वॉज हैदराबाद इंटीग्रेटेड इंट यूनियन तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने स्टैंड सेल एग्रीमेंट कर दिया था वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं हो रहे थे तो फिर एट दी एंड कब मर्ज हो जाए है सेप्टेंबर एट इंपॉर्टेंट है ये डेट आपकी ठीक है तो टाइम एंड डेट लाइन जो मैं बता रही हूं ठीक है, है. अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे वन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन मनीपुर मणिपुर में कब गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनली तो जून नाइनटीन फोर्टी एट आफ्टर द पॉपुलर इलेक्शन एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्शन जो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज के बेसिस पे हुआ था उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो स्टैब्लिश हो गई थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मेंशन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन ये टू मार्कर में आपको एक्सटेंड करके लिखना क्या दिया था रिकमेंडेशन उसने दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज शुड रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज यानी कि पंजाब है पंजाबी बोल रहे हैं गुजरात है गुजराती बोल है। और क्या हो गया आ, हमारा महाराष्ट्र है मराठी बोल रहे है तो जो बाउंड्रीज है स्टेट की वो लैंग्वेज़ के बेसिस पर डेमोक्रेट होनी चाहिए तो फिर से इंडिया की एक रिओ ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी हमारी कब बनी थी और बताओ इसलिए बनी थी सो दैट लैंग्वेज़ के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं उनको हम अलग अलग फॉर्म करें ओके okay, और एक जो हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ था यू विल टेल मी कौन सा कांग्रेस का सेशन हुआ था लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि जो इंडिया है उसको बाउंड्री जो है उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे बना देनी चाहिए यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु तो कौन थे ये हमें पता है जो आंध्र प्रदेश का मूवमेंट हुआ था आंध्र को सेपरेट करने के लिए तो उसमें ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ही इज नोन एज द वेटरन गांधी इन्होंने इंडेफिनेट फास्ट यानी कि इन्होंने भूख हड़ताल कह सकते हो तो आप एक तरीके से वो करी एंड ही डेंट ईट उन्होंने बहुत समय तक नहीं खाया एंड काफ़ी दिनों के इंडेफिनेट फास्ट के बाद ही डाइट इन 1952 और इनकी डेथ के बाद से बहुत एंगर फैल गया पूरी दंगे वंगे होने लगे एंड एट दी एंड जो आंध्र प्रदेश था उसको सेपरेट जो स्टेट था बना दिया गया कब बनाया गया दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया ओके okay, इसको क्या बोला गया था हमारा जो मूवमेंट है ये नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत uh, ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है यह आ सकता है आपका सुकुमार सिंह वी ऑल नो वेयर वॉज गांधी जी ऑन इंडिपेंडेंस डे ये इंपॉर्टेंट है आपके मैप क्वेश्चन के लिए कि जो गांधी जी थे वो कहाँ थे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तो एक बोल इन कोलकाता कैलकटा कुछ भी कहो आप क्योंकि वहाँ पे कैलकटा में उस समय पे क्या हो रहे थे राइट्स हो रहे थे दंगे हो रहे थे तो ऐसा देखा जा रहा था जहाजा गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ दंगे थम रहे थे रुक रहे थे तो गांधी जी कैलकटा गए दंगों को रुकवाने के लिए तो ही डिडेंट इन्जॉयड द मतलब के हो जो पार्टी जो जश्न मनाया जा रहा था आज़ादी का वो उन्होंने इन्जॉय नहीं करा ही वॉज देयर इन कैलकटा और फिर उनको कुछ समय बाद गोली लगी एन ही डाइट ठीक है तो ये मैप वर्क में आ सकता है कहा थे तो यू हैव टू मार्क वेस्ट बंगाल में कैलकटा डिस्क्राइब द टू नेशन थ्योरी दिस इज योर होमवर्क कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ वॉट वॉज द टू नेशन थ्योरी हु पाज द टू नेशन थ्योरी एंड उसके ब्रिटिशर्स पे उसका क्या व्यू था एंड कांग्रेस का उस पर क्या व्यूज थे दैट यू विल टेलम इन द कमेंट सेक्शन सो विद दिस हमने कितने सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कर लिए हैं ऑलमोस्ट टेन मिनट्स भी नहीं हुए होंगे इस वीडियो को ऑन हुए थे तो ऐसे तरीके से हम हर एक चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे यू नॉट गोइंग टू स्कूल डोंट वरी आई एम देर फॉर यू गाइस ओके तो ह्यूमैनिटी के बच्चों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सरमंदी इज देयर फॉर यू सो लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ओली वन रन रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल इज़ दैट प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने 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 से शेयर करो जितना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी जल्दी जल्दी मैं इस रिविज़न बच को खत्म करूँगी फिर दोबारा एक रिविज़न बैच ऑन करेंगे जिसमें दोबारा से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बुक खोलने की जरूरत न पड़े हम दो 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 देख कर ही अपना फुल ऑन चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो और बस रिविज़न करा और एग्जाम में सौ में से सौ नंबर अपने लगा के आएंगे अपनी आँख किस पे आंसर शीट पे और सबको सौ नंबर लेकर आने ओके सो थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर